कोरोना के खिलाफ प्रदेश के मुस्लिम समुदाय में जागरूकता का संदेश देने के लिए जयपुर जामा मस्जिद के इमाम और मुफ्ती सैयद अमजद अली आगे आए। उन्होंने प्रदेश भर के मुस्लिम समुदाय से जुम्मे की नमाज घरों में ही पढ़ने और मस्जिदों से नमाज की जगह कोरोना से बचाव के उपाय पर संदेश देने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने इंदौर और अन्य जगहों पर चिकित्सा कर्मियों के साथ हुई मारपीट की निंदा करते हुए इनका सहयोग करने का आह्वान किया है। कोरोना को लेकर सब कोई अपनी तरीके से हर तरीके से या कहें कि लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने कहीं वीडियो भी देखे हैं, कई चीज़ें भी घटनाएं हुई हैं इसी मामले में लेकर कि जिस तरह से मुस्लिम समाज को कोरोना के प्रति जागरूक करने में बड़ी मदद मिली है। लेकिन अब हम कह सकते हैं जयपुर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद और मुख्य मस्जिद भी हैं जामा मस्जिद, उनके इमाम और मुफ्ती अमजद साहब से हम बात कर रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर। मुफ्ती साहब, आज जुम्मे की नमाज भी है। जुम्मे की नमाज यूँ तो सारे मस्जिदों में हम देख पा रहे हैं कि सारी जगह लॉक है, लॉक लगे हैं लॉकडाउन के तहत, लेकिन क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो 8 दिन पहले से, जब से लॉकडाउन हुआ है या हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कर्फ्यू का ऐलान किया था और इस बात का ऐलान किया था कि सब लोग अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें, तभी से हम लोग सारे लोगों को यही बात समझा रहे हैं कि मस्जिद में ना आएँ, अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। इमाम साहब या एक दो आदमी जो मस्जिद में हैं वो अपने तौर पर नमाज़ पढ़ते रहें ताकि मस्जिद में अज़ान और नमाज भी होती रहे, बाकी सब लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, महफूज रखने के लिए अपने घरों में रहें। जो मस्जिदें लॉकडाउन हैं वैसे तो, लेकिन जो उसके अंदर मौलाना रहते हैं उनको क्या आपने संदेश भिजवाया है? हमने तो मस्जिद के सारे अइम्मा जो एक दो आदमी वहाँ उनके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, हमने उनको यही कहा है कि सारे आइम्मा हजरात अपने अपने लोगों को यही समझाएं कि वो कानून का पूरा पालन करें और वज़ीर सेहत ने जो जिस चीज़ का ऐलान किया है और जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं उनकी पूरी पूरी पालना की जाए, उसकी पूरी रियायत की जाए, इसी में हमारी और पूरी इंसानियत की हिफाजत है। सबको यही कहें कि अपने अपने घरों में रहें। अगर हर मस्जिद से इस बात का ऐलान होगा तो हमें उम्मीद है के लोग इसका पालन करेंगे और इस पर अमल करेंगे। जी, वैसे पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं जो लोग मुस्लिम मोहल्लों में, जो कह सकते हैं आज की तारीख में, जो खास तौर से कहें कि फरिश्ते बन के जो जा रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल के लोग हैं, चाहे वो चिकित्सक हो चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, उनके साथ जिस तरह की घटनाएँ सामने आई हैं, चाहे मारपीट की हो चाहे हाथापाई की हो, तो उसको आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? अगर हुकूमत की तरफ से कोई टीम इलाज के लिए या जांच के लिए गई है उसके साथ अगर किसी ने बद अखलाकी का सबूत दिया है तो हम उसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं। वो बहुत गलत उन्होंने ऐसा किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अलबत्ता हम सब लोगों से ये कहेंगे कि अगर हमारी हिफाजत के लिए कोई हमारे घर जांच करने के लिए आता है तो उसका पूरा पूरा सहयोग करें, पूरा तआवुन करें और अपनी जाँच करा लें। इसमें हमारी भी और हमारे घर वालों की और सबकी हिफाजत है। जी, महामारी को लेकर क्या कहता है अगर बात करें तो जो हदीस क्या कहता है इसमें, किस तरह की बात? ये एक समझिए कि दुनिया के अंदर जो गुनाह हो रहे हैं और पाप हो रहे हैं ये उसकी वजह से एक अल्लाह का एक अज़ाब है। इसके लिए हमें अपने घरों में रहकर अपने मालिक से रुजू करना चाहिए, दुआ और इस्तिग़फ़ार और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अच्छे इंसान बनेंगे तो मालिक हमसे राज़ी होगा और हमसे इस किस्म की तमाम बलाओं को और बीमारियों को हटा लेगा। पीएम मोदी ने अगर कहें तो 5 तारीख की रात को 9 बजे सभी लोगों को अपना टॉर्च या कहें कि लाइट जला के लोगों को एक तरह से एकजुट होने का संदेश दिया कुछ? हाँ, बस जो भी हुकूमत की तरफ से हमारी एहतियात के लिए जो भी आदेश दिए जा रहे हैं उसका हमें पूरा पूरा पालन करना चाहिए। हम उसकी पूरी मुआफ़त करते हैं और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा के लिए जो भी आदेश दे रही है उसका हमें पूरा पूरा उसको अमल करना चाहिए। शुक्रिया बहुत। ये हैं मुफ्ती अमजद साहब जो मुख्य उलेमा भी हैं, जामा मस्जिद के इमाम भी हैं और इसके साथ मुफ्ती भी हैं। उन्होंने संदेश दिया है पूरे प्रदेश के उन लोगों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए और आम लोगों के लिए कि वो अपने घरों में रहें और साथ ही जो सरकार की ओर से टीमें आ रही हैं उन मोहल्लों में, जो आपके खुद की सुरक्षा के लिए आ रही है, उनका सहयोग करें और उनकी मदद करें। सहयोगी सुरेंद्र के साथ निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।